Good morning friends, in the last video you have learned the new industrial policy. This policy laid stress on removal of license, permit and quota by liberalization, privatization and globalization. LPG is the economic reforms. The यह रिफॉर्म भारत की फाइनेंशियल वीकनेस और महंगाई को रोकने के लिए किए गए. वी विल स्टार्ट विद लिबरलाइजेशन. इट मीन्स टू रिमूव अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस. द इंडियन इंडस्ट्री हैज बीन लिबरलाइज्ड इन फॉलोइंग वेज. द फर्स्ट इज एबॉलिशमेंट ऑफ लाइसेंस सिस्टम. अब भारत में कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. केवल कुछ इंडस्ट्रीज जैसे अल्कोहल, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, डेंजरस केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी था. द सेकेंड इज एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. अब बिजनेसमैन मार्केट में डिमांड और सप्लाई फोर्सेस एनालाइज करके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी चाहे उतनी इंक्रीज कर सकता है. प्रोड्यूसर खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है. फार्मर डिसाइड कर सकता है कि उसे कौन सी क्रॉप लगानी है. वे डोमेस्टिक मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट या दोनों के लिए गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. द थर्ड इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर सेल. अब बिजनेसमैन भारत के किसी भी स्टेट के साथ बिजनेस डील कर सकते हैं. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं. हर तरह के क्रॉप के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी गई. इसी के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट को भी बढ़ावा मिला. द फोर्थ इज फ्रीडम टू फिक्स प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब बिजनेसमैन अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइजेस को डिसाइड कर सकता है. नाउ द फिफ्थ इज टैक्स रिफॉर्म्स और फिस्कल रिफॉर्म्स. गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी को ही फिस्कल पॉलिसी भी कहा जाता है. गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स कम कर दिए जिससे टैक्स पेयर टैक्स की चोरी करने की बजाय टाइम पर टैक्स पे करेगा. नेक्स्ट इज सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर. गवर्नमेंट ने यह प्रोसीजर बहुत सिंपल कर दी जिससे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को सुविधा होगी और वे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल डील करेंगे. इसके साथ ही गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर कोटा सिस्टम एबॉलिश कर दिया. कस्टम ड्यूटी कम कर दी. एक्सपोर्ट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी हटा दी गई. द लास्ट इज लिबरल प्रोसेस टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. गवर्नमेंट ने जानबूझकर रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट कर दी, डीवैल्यू कर दी, कम कर दी ताकि हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो. इसके साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत आसान कर दिया ताकि भारत में फॉरेन कैपिटल और फॉरेन टेक्नोलॉजी आए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड लिबरलाइजेशन वेल. द सेकेंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इज प्राइवेटाइजेशन. It means to give greater role to the private sector in the nation building process and a reduced role to the public sector. इसका मतलब गवर्नमेंट अपनी कंपनी की ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है. उसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन. फॉर प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट इनिशिएटेड फॉलोइंग मेजर्स और स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज दिस इन्वेस्टमेंट एंड द सेकेंड इज revival of six public sector units. Now what is this investment? This investment मतलब विनिवेश करना, business में लगाया हुआ पैसा वापस निकाल देना. This investment के दो तरीके हैं. First, denationalization and the second is partial privatization. Now what is denationalization? Denationalization में government public asset गवर्नमेंट कंपनी की 100% ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है. फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम डी नेशनलाइज्ड इट्स रेल रोड्स फ्रॉम 1994 टू 1997. जापान इज इन द प्रोसेस ऑफ डी नेशनलाइजिंग जापान पोस्ट. नाउ द सेकेंड इज पार्शियल प्राइवेटाइजेशन. इसमें गवर्नमेंट अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है. यदि किसी गवर्नमेंट कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को सेल हो गए तो
तो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाती है, ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की ओनरशिप और मैनेजमेंट फिर प्राइवेट सेक्टर ही देखता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के 12.6% शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू सेल कर दिए। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक का कुछ पार्ट गवर्नमेंट ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को सेल कर दिया। नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज रिवाइवल ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। Now what is the meaning of revival? Revive means to make something strong or popular again. Puna shakti pradan karna. Now revival of sick public sector units yani kisi financially weak public sector unit ko fir se profit mein lana, revive karna. Iske liye BIFR Board of Industrial and Financial Reconstruction banaya gaya. BIFR यह डिसाइड करता है कि किसी सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट को वाइंड अप करना है या फिर से रिवाइव करना है। जैसे 2014 में 5 लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट को रिवाइव करने का अप्रूवल लिया गया। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन? डिस इन्वेस्टमेंट करने से गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग होती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड्स आते हैं। पब्लिक सेक्टर का बर्डन कम होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, कंज्यूमर को बेटर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है और मार्केट में हेल्दी कॉम्पिटिशन इंक्रीज होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्राइवेटाइजेशन। द थर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू इंटीग्रेट नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मेन फोकस होता है फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। नाउ फॉर ग्लोबलाइजेशन फ्यू मेन पॉइंट्स आर देयर। फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। ग्लोबलाइजेशन के लिए इंटरनेशनल ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कैपिटल पर जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उन्हें हटाना पड़ता है। द सेकेंड इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एम टू लिबरलाइज फॉरेन ट्रेड। 1991 से पहले, इसका मतलब यह पॉलिसी आने से पहले इम्पोर्ट्स पर गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन था, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, टैरिफ एंड टैक्सेस, लाइसेंस वर रिक्वायर्ड। लेकिन 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट्स लिबरलाइज कर दिए और हम एक्सपोर्ट प्रमोट करने लगे ताकि भारत ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी का एक हिस्सा बने। द थर्ड इज इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस नेशंस। ग्लोबलाइजेशन का एम होता है कि विश्व के सभी देश एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें और इंटरडिपेंडेंट भी हो। इसका मतलब एक देश की जरूरत विश्व के दूसरे देश पूरी करेंगे। ग्लोबलाइजेशन के कारण गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पीपल आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ग्लोबलाइजेशन। ऑल दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वर इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।